वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च आज हम डिस्कस करेंगे एम सी क्यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पहला क्वेश्चन है ये है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ठीक है कितना है माइनस जीरो पॉइंट फाइव प्लस वन जीरो और टू पॉइंट जीरो तो ये हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी थ्री में तो जिसका करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थ्री ज़ीरो वोल्ट इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेते हैं क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन uh, भी हो सकती है और इस पर रिडक्शन भी हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इलेक्ट्रोलिस ऑफ डाइल्यूट एन एच गिवज एच टू एट कैथोड एंड ओ टू एट एनोड ये जो पहली स्टेटमेंट है यही करेक्ट है ठीक है ना तो आपका जो डाइल्यूट एन है तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है एक तो वाटर प्रेजेंट है ठीक है वाटर प्रेजेंट होगा तो इसमें एच हाँ आयन होंगे और साथ में ओ एच OH नेगेटिव आयन होंगे ठीक है और एन ए ओ एच तो है ही ठीक है एन एच -OH का मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका कि इसमें टूटेगा एन ए पॉजिटिव और प्लस ओ एच OH नेगेटिव पे तो जब हम रोड्यूस करते हैं ठीक है उस तरह से सी ऑप्शन भी गलत है आपका और डी ऑप्शन भी ये तो है ही नहीं ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री द मेटल डैट कैन नॉट बी ऑप्टेंड बाय इलेक्ट्रोलिस ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट मतलब किस मेटल को आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते इसके साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से ठीक है इसमें दे रखा आपको कैल्शियम सिल्वर कॉपर और क्रोमियम तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ठीक है क्यों क्योंकि कैल्शियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत कम है ठीक है रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब ये है कि इसकी रिडक्शन नहीं हो सकती या पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है इसकी रिडक्शन की ठीक है क्योंकि जब इसका साल्ट सी पॉजिटिव ठीक है जो कि सॉल्यूशन में होगा तो किसकी तरफ जाएगा कैथोड के पास कैथोड पे कैसा चार्ज होता है आपका नेगेटिव ठीक है और कैथोड पे होती क्या है रिडक्शन तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका बहुत कम होने के कारण कैल्शियम आयंस की रिडक्शन नहीं हो पाती जबकि जो सिल्वर है या फिर कॉपर है या क्रोमियम है इन सब की रिडक्शन आसानी से हो जाती है जैसे सिल्वर है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस सॉरी प्लस ज़ीरो पॉइंट एट जीरो वोल्ट ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा है तो क्या हो सकती है इसकी रिडक्शन हो सकती है तो इसमें आप साठ ले सकते हो ए ठीक है यदि आप इसकी इलेक्ट्रोलिस करोगे तो ए जी पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे कैथोड पे और कैथोड पे जाकर क्या होगी ए जी पॉजिटिव आयन की रिडक्शन होगी रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो आपका ए जी पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड जो कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड करती है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए ठीक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये करेक्ट है ठीक है अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस uh, उसकी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वो अपने आयंस में कम्पलीटली डिसोसिएट हो जाता है ठीक है अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस कम होती है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि वो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता उसके बाद ये है 2018 में आया हुआ है द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज ठीक है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा ये है आपका ओम इनवर्स मीटर स्केयर और पर मोल ठीक है ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है ठीक है अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती तो केवल क्या होता ये जो आ, पर मोल है इसके जगह आ जाता पर इक्विवेलेंट, ठीक है ये डिफरेंस है नंबर ऑफ फेराडेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस वन मोल ऑफ एम एन ओ फोर नेगेटिव टू एम एन टू पॉजिटिव तो इसमें आपको क्या करना है एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है इसमें जो की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है प्लस सेवन ठीक है ये हमने प्लस वन में निकालना सीख रखा है तो प्लस सेवन है तो प्लस सेवन से किसमें कन्वर्ट होना इसने? 2 है इसने टू पॉजिटिव में तो कैसे होगा जब ये क्या करेगा पाँच इलेक्ट्रॉन करेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर समझना है कि रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे ना उतने ही फेराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी ठीक है तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका यहाँ पर पांच इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में ठीक है तो यहाँ पर एक मोल डिपॉजिट करने के लिए एम एन ओ फोर नेगेटिव को एम एन टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको फाइव फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका टू थाउजेंड टेन में आया हुआ है ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ठीक है तो ये यूनिट है आपकी साइमन पर सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर वन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फेराडे कांस्टेंट ठीक है 2014 में आया हुआ है तो ये आपको पता होनी चाहिए 96500 सिक्स फाइव ठीक है ये होती है वन फेराडे के द रिएक्शन जेड एन इसमें कन्वर्ट हो रहा है जेड एन टू पॉजिटिव और प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स तो ये आप प्लस वन से पढ़ते आए हो तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या हो रहा है जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है ठीक है लूज हो कर रहा है इलेक्ट्रॉन जिंक वट हैपन्स टू कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन ठीक है कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के बाद हमेशा क्या होती है डिक्रीज होती है क्योंकि जो कंडक्टिविटी हम लेते हैं वो कंडक्टिविटी वो कंडक्टेंस होती है कितने सॉल्यूशन की वन सेंटीमीटर क्यूब की ठीक है तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वन सेंटीमीटर क्यूब में जो नंबर ऑफ आयंस है नंबर ऑफ आयंस वो क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं जिसके कारण कंडक्टिविटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ये दो नंबर में भी क्वेश्चन आता है ठीक है तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन रस्ट ठीक है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये टू में आया हुआ है तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थ्री सी एफ ई टू ओ थ्री इंटू एक्स एच टू ये टेंथ में भी आता है आपका ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस एनाइन किसकी तरफ जाते हैं ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रोड लगते हैं एनोड और कैथोड एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव तो जो एनाइन है एन का मतलब जिस पे कैसा चार्ज है नेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है पोस्टिव चार्ज किस पे है एनोड पे ठीक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज विद डाइल्यूशन ठीक है ये अभी आया था थोड़ी देर पहले ठीक है हरियाणा बोर्ड में भी आया हुआ है 2014 में तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस ठीक है जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नरनेस्ट इक्वेशन ठीक है हरियाणा बोर्ड में 2017 में आया हुआ है ये ठीक है इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं ठीक है दो या तीन नंबर के तो इसमें इन्होंने तीन वो दे रखे हैं ये पहला जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये भी गिव्स फ्री एनर्जी और ई में रिलेशन है जो दूसरा है बी वाला ये आपका जो इकलिबिन कॉन्स्टेंट है के ठीक है उसमें रिलेशन है के और डेल्टा ई में तो जो नरनेक्ट इक्वेशन है ये आपकी थर्ड वन ठीक है माइनस अपॉन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन द रिडक्शन रिएक्शन ठीक है एम आपका मेटल है और एम एन पॉजिटिव क्या हैं उस मेटल के आइन हैं सोल्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है ये आया हुआ है केमिकल uh, रिएक्शन ये किसका एग्जांपल है देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं गेन हो रहे हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम रिडक्शन तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट है ठीक है हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है दो में नेक्स्ट क्वेश्चन वट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ऑफ ए गैलवेनिक गेलवेनिक सेल ठीक है तो दो सर्किट होते हैं एक तो आउटर सर्किट होता है ठीक है एक इनर सर्किट होता है इसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो साल्ट ब्रिज से जुड़ा होता है ठीक है और इसमें क्या मूव करते हैं आपके आयंस मूव करते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए ये प्लस वन में भी है आपका ठीक है तो इसमें आयन मूव करते हैं इंटरनल सर्किट में और आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस ऑफ एक्वस एन ठीक है एक्वस एन तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है वाटर तो है ही ठीक है वाटर किसमें टूटता है एच पॉजिटिव और प्लस ओ एच नेगेटिव ठीक है एन ए सी एल है तो ये किस में टूटेगा आपका एन ए पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव ठीक है तो ये जो मैथड है ना आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एन ए सी एल ये एक प्रोसेस है एन ए ओ एच बनाने की ठीक है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने हाइड्रोक्साइड बनाने की तो इसमें से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड निकाल लो ये एन निकाल लो और यहाँ से ओ OH एच निकाल दो तो बच क्या गया हाइड्रोजन जिस पर प्लस चार्ज है ठीक है ये कैथोड पे जाएगा और क्लोरीन जिस पर नेगेटिव चार्ज है किस पर जाएगा एनोड पे तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट वो देखिए कौन सा होगा हाइड्रोजन एट कैथोड ठीक है एंड क्लोरीन एट एनोड ठीक है ये ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर तो ध्यान रखिए इसमें एन में क्या निकल जाएगा एन निकल जाएगा क्या बच गया एच और सी एल हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड पे जाएगा और सी एल पे नेगेटिव चार्ज है वो किस पर जाएगा एनोड पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज विद डाइल्यूशन ये हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है आपका 2011 में ठीक है तो कौन सा इंक्रीज uh, होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये हमने अभी डिस्कस करा था, था थोड़ी देर पहले ये डिक्रीज होती है वैल्यू ठीक है ये जो कंडक्टेंस है ये क्या होती है इंक्रीज होती है ठीक है इलेक्ट्रोलाइट की ये क्वेश्चन भी ये आपका ठीक है डिबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन से हम इसको डिस्कस करते हैं ठीक है तो कंडक्टेंस हमेशा बढ़ती है डाइल्यूशन के बाद ठीक है इलेक्ट्रोलाइट की क्यों क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो क्या होता है आयोनाइजेशन uh, बढ़ती है आयोनाइजेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ेंगे और नंबर्स ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी ठीक है इजी क्वेश्चन फ्यूज्ड एन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स ऑन कैथोड इज ठीक है एन है बस सब वाटर नहीं है एक्वस नहीं है तो एन ए सी एल किस में टूटेगा एन ए पॉजिटिव और प्लस सी एल नेगेटिव पे ठीक है तो एन ए पॉजिटिव ये कैथोड पे जाएगा और सी एल नेगेटिव ये किस पर जाएगा एनोड पे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो कैथोड पे क्या मिलेगा आपको देखिए कैथोड पे क्या मिलेगा आपको सोडियम ठीक है तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए ड्राई सेल ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रोलाइट ठीक है ड्राई सेल है ये दो नंबर का क्वेश्चन भी आता है ठीक है यहाँ पर इसमें से पूछा गया है एम सी क्यू ये दो हजार तेईस में आया हुआ है तो इसका जो आंसर है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल ठीक है इसका यूज़ होता है एज इलेक्ट्रोलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट ऑफ सेल कॉन्सटेंट ये आ चुका पहले भी ठीक है तो ये होगा आपका सेल कांस्टेंट सेल कांस्टेंट सेल कांस्टेंट ठीक है ये होता है आपका एल बाई ए ठीक है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है ठीक है एल क्या होते हैं आपके डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और ए क्या होता है उसका इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो लेंथ की यूनिट आपकी सेंटीमीटर होती है एरिया की क्या होती है आपकी सेंटीमीटर स्केयर तो एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कट गया तो ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स तो ऑप्शन नंबर थ्री ये करेक्ट आंसर है वट फ्लोज इन द इंटरनल सर्किट ये हमने पढ़ा था ठीक है इसमें क्या आएगा आपका आइंस आएगा ये रिपीट है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोसी ऑफ एक्वस एन ए सी एल ये आपको बताया था मैंने ये किसकी प्रोडक्शन है एन ए ओ एच की प्रोडक्शन है ठीक है और इसमें हाइड्रोजन मिलता है कैथोड पे और क्लोरिन मिलता है एनोड पे ठीक है ये भी रिपीट है विच आर द फॉलोइंग इनक्रीज विद डायलूशन ठीक है क्या ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके तो ऑप्शन नंबर वन कंडक्टेंस ठीक है तो आपको बताया था जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी आयोनाइजेशन बढ़ती है अब ये क्वेश्चन देखिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ई नोट ठीक है ये दे रखे हैं आपको ये वैल्यू दे रखी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ठीक है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है एक रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे हैं ठीक है तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करते हैं केवल हम साइन चेंज कर देते हैं ठीक है तो ये रिएक्शन दे रखी है इस रिएक्शन में ये पता चल रहा है देखो जेड एन जेड एन टू पोस्टी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये एक्ट करेगा किस तरह से एनोड की तरह ठीक है, है और एफ ई ये एक्ट करेगा किस तरह से कैथोड की तरफ से ठीक है तो आपको ई निकालने का तरीका पता है अभी ध्यान रखो क्या बताया मैंने जिंक तो आपका एनोड है ठीक है जिंक तो क्या आपका एनोड और एफ ई क्या है आपका कैथोड ठीक है तो ई नोड सेल इक्वल टू क्या फार्मूला लगता है ई e कैथोड और माइनस -E ई एनोड अब कैथोड कौन सा आपका एफ ई एफ़ का यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है लेकिन ध्यान ये रखना है ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपको कौन सा पोटेंशियल दे रखा हो रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है तो करना क्या होता है केवल आपने साइन चेंज करना होता है ठीक है तो अगर मैं जेड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताऊँ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जीरो और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा माइनस uh, और एफ़ ई का क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है माइनस जीरो पॉइंट फोर वन अब हम क्या कर सकते हैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ई नोट सेल जब भी निकलेगा ना फार्मूला क्या लगाना है ई कैथोड माइनस ई एनोड लेकिन जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए रिडक्शन के ट्रम में यहाँ पर ऑक्सीडेशन के ट्रम में दे रखी रखिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए कैथोड वाला कौन सा है एफ ई एफ ई का रिडक्शन पोटेंशियल अभी हमने कनोट कैलकुलेट कराया माइनस ज़ीरो पॉइंट फोर वन ठीक है आगे माइनस हो जाएगा और जिंक का कितना है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा जीरो पॉइंट थ्री फाइव वो भी प्लस ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है ठीक है ये क्वेश्चन आपका दो या तीन नंबर में भी आ सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर सल्फेट को हम नहीं स्टोर कर सकते जिंक कंटेनर में क्योंकि ये रिएक्शन होगी जेड एन सी यू एस ओ एस ओ फोर अगर जिंक कंटेनर में रखोगे तो ये होगी आपकी जेड एन एस ओ फोर बन जाएगा और प्लस आपका सी यू तो जेड एन जो है ना आपका कंटेनर का वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जेड एन टू पॉजिटिव में ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है जिंक विल पास इनटू द सॉल्यूशन एज जेड एन टू पॉजटिव एंड कॉपर विल बी प्रेसिपिटेटेड जो कि आप इस रिएक्शन से देख सकते हो और दा गिवन सेल रिएक्शन ये 2021 में आया हुआ है आ, ये रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो डबल लाइन डबल लाइन है इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं ठीक है इससे इधर वाला जो सिस्टम होता है वो एनोड का होता है और इससे इधर वाला किसका सिस्टम होता है कैथोड का ठीक है ये बात आपको पता होनी चाहिए एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमेशा क्या होती है रिडक्शन होती है ठीक है तो आपने क्या बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है ठीक है तो एम जी एज कैथोड नहीं जी एम जी एनोड की तरह काम करता है तो ये ऑप्शन गलत है ठीक है सी यू एज कैथोड देखो इधर वाला जो है सिस्टम ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो ये ऑप्शन क्या आपका सही है तो ऑप्शन नंबर बी इट इज करेक्ट अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जरा ध्यान से समझिए यहाँ पर आपको एफ ई थ्री पॉजिटिव आइंस दे रखे हैं ए एल थ्री पॉजिटिव दे रखे हैं और बी आर टू दे रखे हैं ठीक है तो ये सारी जो वैल्यूज़ दे रखी हैं रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन चल रही है ये रिडक्शन की है सारी की सारी ठीक है क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तीनों ही रिएक्शन में ठीक है तो बेस्ड ऑन द अबो डाटा स्टेट वीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की पावर ठीक है जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि दूसरा जो स्पीसीज है वो क्या कर लेगा उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा तो आपने ध्यान रखना है जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है ना उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करने की टेंडेंसी होती है लूज़ करने की टेंडेंसी होती है और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है तो इन तीनों के डाटा से ये बात तो क्लियर है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करने की टेंडेंसी है वो किसकी है एल्युमिनियम की ठीक है तो एल्युमिनियम जो है आपका वो है स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर इसमें एल्युमिनियम की है क्योंकि एल्युमिनियम आसानी से क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है अब कौन सा आसानी से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा वो है आपका ब्रोमिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस वन पॉइंट जीरो एट है जितना ज्यादा प्लस होगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी ना कि लूज करने की टेंडेंसी ठीक है तो सबसे जो वीक रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो किसकी होगी ब्रोमिन की ठीक है तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है इट इज करेक्ट सबसे कम ब्रोमिन फिर उसके बाद एफ ई टू पॉजिटिव और सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर है वो किसकी है एल्यूमिनियम की ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गिवन डैट आपको क्या दे रखा है सिल्वर hmm, का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है देखो आयन पहले दे रखा है मेटल बाद में तो इसके अंदर रिडक्शन हो रही है ठीक है ए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है एजी में तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा जीरो पॉइंट एट्टी जिंक का दे रखा माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है अगर मैं एक्टिविटी सीरीज देखूँ तो एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आएगा, आएगा आपका जिंक ऊपर ठीक है माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स बीच में आता है आपका हाइड्रोजन जिसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेते हैं जीरो और उससे नीचे पॉजिटिव वाले आते हैं इसमें सिल्वर है सिल्वर का कितना है प्लस जीरो पॉइंट एट जीरो तो ये जो ऊपर वाले हैं ना आपके हाइड्रोजन से ऊपर वाले ठीक है ना इनको हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर सकता ठीक है ये हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं ऊपर वाले जो ऊपर वाले हैं ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है जेड एन टू पॉजिटिव कैन बी रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है ठीक है ना तो जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो जेड एंड टू पॉजिव रिड्यूज नहीं हो सकता वो खुद इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता ठीक है दूसरी बात ए जी कैन रिड्यूस ए जेड टू पॉजिटिव ए जी कैन रिड्यूस नहीं ए जी भी नहीं कर सकता रिड्यूस ए जी की तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ठीक है ना तो ये ए जी तो इसको कब रिड्यूस करेगा जब ए जी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि एची का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है और अभी तुमको मैंने पीछे बताया था जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रोन पोटेंशियल होगा उतनी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी ठीक है थर्ड ऑप्शन ए जी पॉजिटिव कैन बी रिड्यूस्ड बाय एच टू हाँ जी ये बिल्कुल सही है ठीक है ना हाइड्रोजन क्या करता है अपने से नीचे वालों को क्या कर सकता है रिड्यूस कर सकता है क्योंकि ए जी का भी मैंने बताई है आपको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर सकता है ए जी पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो जो ऑप्शन नंबर थ्री है इट इज कॉरेक्ट आंसर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेंट्रेशन सेल कंसनट्रेशन सेल होती क्या है ठीक है उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन है लेकिन जो आपके जो दोनों साइड के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सेम होते हैं बस उनमें कंसेंट्रेशन में, में फर्क आता है ठीक है अब इनमें से कौन सी कंसनट्रेशन सेल नहीं है मैंने अभी क्या बताया है सेम रड डिप होती है और सेम ही सॉल्यूशन होता है तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखें ऑप्शन नंबर बी में एक तो जिंक रड है और एक कौन सी रड है कॉपर रड है तो दोनों अलग अलग हो गए ये ठीक है ना तो ये ऑप्शन क्या है आपका सही नहीं है इट इज़ नॉट राइट आंसर द कैलोमल इलेक्ट्रोड ठीक है ये भी एक तरह का रेफरेंस इलेक्ट्रोड ही होता है ठीक है इसमें जो सिल्वर है वो डिप होता है कौन से सॉल्यूशन में के सी एल सॉल्यूशन में ठीक है तो ये आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड इट इज ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोलाइट्स वेन डिजोल्ड इन वाटर डिसोसिएट इन टू देयर कंस्टिट्यूएंट साइंस बिल्कुल अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाता है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिसोसिएशन कब इंक्रीज होते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऐड करते हैं वाटर या फिर सोलवेंट ठीक है तो जब वाटर ऐड होता है ना तो कंसनट्रेशन क्या हो जाती है कम हो जाती है क्योंकि कंसनट्रेशन क्या होता है एन बाई वी एन है आपके नंबर ऑफ़ वॉल्यूम सॉरी नंबर ऑफ मॉल्स और वी के आपका वॉल्यूम तो जब आप पानी ऐड करते हो ना तो वॉल्यूम बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसनट्रेशन क्या होती है घटती है और डिसोसिएशन बढ़ती है ये बात ध्यान रखनी है आपने ठीक है तो इसमें जो आंसर आएगा ये आएगा, आएगा, आएगा आपका आ, इंक्रीज कब होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब कंसेंट्रेशन में क्या होगा आपका डिक्रीज होगा वो कब होगा जब आप क्या ऐड ऐड करोगे करोगे वाटर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द लाइफ ऑफ ए डेनियल सेल मे बी इंक्रीज डैनियल सेल की आप लाइफ कैसे इंक्रीज कर सकते हो बाय कीपिंग लो टेम्परेचर ठीक है ये या आपको याद रखना है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है कब काम करना बंद कर देती है जब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना दोनों इलेक्ट्रोड्स का वो क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है ठीक है ये काम ही तभी करते हैं जब दो इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या हो डिफरेंस हो ठीक है तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लेकिन जब क्या होती है इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाता है सेम क्यों होता है क्योंकि एक सॉल्यूशन में कंसनट्रेशन बढ़ती है और एक में घटती है ठीक है तो नरनेस्ट इक्वेशन आपने पढ़ रखी है उसमें आपने पढ़ रखा है कि कंसनट्रेशन चेंज का क्या पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर फ़र्क पड़ता है ठीक है तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाते हैं एक जैसे हो जाते हैं तो करंट फ्लो करना क्या हो जाता है बंद हो जाता है ठीक है Okay, thank you.